फिलहाल अब बात करते हैं बिरयानी पॉलिटिक्स की, जिसकी दिलचस्प तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिली। हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी AIMIM मध्य प्रदेश में नए मिशन में जुटी है। वो मिशन है बिरयानी खिलाओ, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाओ। एमपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा AIMIM एक्टिव है। बिरयानी खिलाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, वोट बैंक मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दस्तरखान सज गया है, लजीज और खुशबूदार बिरयानी परोसी जा रही है और लोग बड़े शौक से नोश फरमा रहे हैं। ये है असदुद्दीन ओवैसी की बिरयानी पॉलिटिक्स और मध्य प्रदेश में AIMIM की चुनावी बिरयानी रंग ला रही है। असल में मध्य प्रदेश में ये है ओवैसी का बिरयानी खिलाओ कार्यकर्ता जोड़ो अभियान, और इस बिरयानी वाले अभियान के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के पहले सियासी बिरयानी पकने लगी है। बिरयानी के बहाने ओवैसी की कोशिश सियासी जमीन मजबूत करने की है और ये कोशिश अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती दिख भी रही है। मध्य प्रदेश में AIMIM की मेगा मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। अब तक पार्टी ने MP में करीब 1,00,000 से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं। भोपाल की नरेला सीट से ही सिर्फ 25,000 से ज्यादा लोग AIMIM से जुड़े हैं। चुनावों के पहले AIMIM 10,00,000 नए सदस्य पार्टी से जोड़ सकती है। 2023 के चुनाव में AIMIM MP की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में तेजी से काम चल रहा है। मिशन मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान का प्रोग्राम चल रहा है कि जिन लोगों को कांग्रेस, BJP या अन्य दलों में सम्मान नहीं मिला है, जो लोग वहां पर सिर्फ वोट देने के लिए यूज किए जाते हैं, उन लोगों को हम बुलाकर यहाँ सम्मानित करते हैं। भूखे भजन न हो गोपाला, ये रखी तरी कंठी माला, उनको गले से भी लगाते हैं, बिरयानी भी खिलाते हैं, वेज भी खिलाते हैं, नॉन वेज भी खिलाते हैं। MP में AIMIM के एंट्री को लेकर कांग्रेस सहमी हुई है। कांग्रेस के कई मुस्लिम साथी पार्टी से विदा ले रहे हैं, जिसका सीधा फायदा AIMIM को मिल रहा है। वहीं BJP ने कहा कि ओवैसी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जितने कार्यक्रम किए तो लोग नहीं जुड़े, लोग उनके बहकावे में नहीं आए, तो अब खाना खिला के, बिरयानी खिला के लोगों को जोड़ने का प्रयास है। कुछ लोग जाएंगे, शायद खाना खा लें, लेकिन वोट नहीं देंगे। जनता हमें आश्वस्त की हुई है, जनता कांग्रेस पार्टी को चुनेगी। वोट कटुआ राजनीतिक दल जितने भी हैं उनके पास जनता नहीं जाने वाली है। आतंकवाद की जननी कांग्रेस और उसी में से ये सब निकले हैं, ओबीसी। तो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन ये कोई भी देश के हित में नहीं है। लेकिन अब 130 करोड़ जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इन देश विरोधी ताकतों को पहचान गया है। मध्य प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के 7 पार्षद हैं, लेकिन पार्टी का प्रभाव भोपाल, जबलपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर से लेकर मध्य प्रदेश के हर मुस्लिम बहुल इलाके में है। जाहिर है अब मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। भोपाल से मकरंद काले की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे तो राजनीति का ये बड़ा सच है कि नेता जनता को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, तमाम तरीके के लालच देते हैं। बिरयानी भी इसी का ही हिस्सा है। आपको कुछ दिन पहले की एक और दिलचस्प तस्वीर भी दिखा देते हैं, जिसमें तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के एक नेता खुलेआम मुर्गा और शराब बांटते हुए नजर आए। ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। VRS नेता राजनाला श्रीहरि ने बीच सड़क पर एक टेबल और गाड़ी लगाकर लोगों के बीच खुलेआम मुर्गा और शराब बांटना शुरू कर दिया था। तो नेताओं को जब जहां मौका मिलता है वो इस तरीके की तस्वीरों के साथ सामने नजर आ जाते हैं।